In this question, it is saying that a force acts on 2 kg object so that its position is given as a function of time. मतलब पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है, उस पर फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली ब्लॉक मूव करने लगेगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा और उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है. एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड, पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 5 सेकेंड. अब अगर देखा जाए तो फोर्स ऐसे ऐसा सच यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है और मास दिया हुआ है, तो हम लोग को वर्क डन एक पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम. तो अगर हम लोग स्पीड निकाल लें टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो 5 सेकेंड पे स्पीड निकाल लें, 0 टाइम पे स्पीड निकाल लें और उससे काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा फिर. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पोजीशन दिया हुआ है वेरिएशन, एक्स इज इक्वल टू 3t² + 5, तो स्पीड निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ddt ऑफ एक्स, तो ये आ गया 6t और 5 का डिफरेंशिएशन 0. तो इसका मतलब जो वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पे, वो तो 0 आ जा रही है, एंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये आ जा रही है 6 × 5, तो 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो वर्क डन बच्चों निकाल देते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, तो हाफ कॉमन ले लेते हैं, मास कॉमन ले लेते हैं जो कि 2 kg दिया हुआ है, वी फाइनल स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 900. तो 900 जूल्स इतना वर्क हुआ है. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखिए तो हम लोग ऑप्शन बी मैच कर रहे हैं. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ठीक है सारे बच्चे इसको कर देने चाहिए इस क्वेश्चन को. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं.